मॉडलिंग की दुनिया से जुड़े लोगों के लिए फिटनेस को बनाए रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इन दिनों प्रदेश भर में कोरोना का कहर जारी है और प्रदेश में सरकार ने अभी तक जिम खोलने की अनुमति भी नहीं दी है, लेकिन प्रदेश भर में पार्क आमजन के लिए खोल दिए गए हैं। और ऐसे में इन दिनों राजधानी जयपुर के सेंट्रल पार्क में विभिन्न मॉडल अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए व्यायाम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इन दिनों जिम बंद होने के कारण पार्क में आकर ही व्यायाम उन्हें करना पड़ रहा है, यहाँ खुले शुद्ध वातावरण में आकर काफी अच्छा वो फील कर रहे हैं। कोरोना बीमारी का कहर जारी है तो वहीं राजधानी जयपुर के अंदर सभी पार्क राजस्थान सरकार ने खोल दिए हैं। इसके बाद वो लोग जो अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए पार्क या जिम जाते थे तो उनको अब जो है, हालांकि जिम की सुविधा भी नहीं मिल रही है, ऐसे में वो पार्क में आ रहे हैं और अपनी जो शारीरिक क्षमता है उसको बनाए रखने के लिए, फिटनेस बनाए रखने के लिए व्यायाम करें नियमित तौर पर। आप देख सकते हैं अभी हम राजधानी जयपुर के सबसे बड़े पार्क सेंट्रल पार्क पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये लड़कियां हैं जो खासतौर से मॉडलिंग कैरियर से जुड़ी हैं, तो इनको एक फिटनेस बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो लॉकडाउन के दौरान इनको एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अपने आप को फिटनेस कैसे बनाए रखें। अब चूंकि पार्क खोल दिए गए तो अब ये पार्क में आकर जो है अपनी यहाँ पर फिटनेस की जो है तैयारी कर रही है। आप देख सकते हैं इनको कई तरह के जो कंपटीशन होते हैं वहाँ भी इनको जाना होता है, जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इनके लिए फिटनेस होती है। तो इनसे ही हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान इन्होंने जो है अपने आप को जो है शारीरिक रूप से जो फिटनेस है कैसे बनाए रखा है। हमारे साथ कुछ मॉडल्स हैं, बताएं किस तरीके से आपने जो लॉकडाउन का वक्त था उस दौरान कैसे बीता? हम लोगों को बहुत डिफिकल्टीज आई बिकॉज जब सबको ही पता है कि कोरोना की वजह से हम लोगों के लिए जिम सारे बंद थे, लेकिन उस दौरान फिर हम लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ थी कि हम लोग अपने घरों में योगा कर सक रहे थे, और घरों में योगा करने के अलावा हम लोग अपनी डाइट पे भी पूरा ध्यान रख रहे थे, क्योंकि हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाना था। तो हम लोग पूरे जो भी पोषण की चीज़ें होती हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं, वो हम लोग पूरी लेने की कोशिश कर रहे थे, और इसी तरीके से हम लोगों ने अपना लॉकडाउन का पीरियड निकाला। अब क्योंकि हमारे अभी भी जिम बंद है और हमें योगा करना कंटिन्यू रखना है अपना और एक्सरसाइज करनी, तो हम लोगों ने वॉक और गार्डन को चूज़ किया कि हम गार्डन में वॉक कर सकें, ताज़ी हवा ले सकें और साथ ही एक्सरसाइज खुले में कर सकें। ताज़ी एक्सरसाइज है वो खुले में हो सकती है, तो अभी सबसे अच्छा जो इनके लिए मौका है वो है पार्क है, तो पार्क में कर रहे हैं। जिम बंद है पार्क में आना पड़ रहा है, क्या कहना चाहिए? हेलो एवरीवन, हम लोग मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तो जैसा कि अभी कोरोना का कहर चल रहा है तो उसकी वजह से घर के अंदर सब बंद है, तो हमको क्या है कुछ चाहिए जिस तरीके से हम लोगों का माइंड काम रह सके, सूदिंग हो सके, हम लोगों को मेंटल हेल्थ की अभी जैसे बहुत अवेयरनेस चल रही है, तो उसकी वजह से योगा बहुत हेल्प करता है अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। और जिम जैसे कि ये बंद हैं तो हम लोगों को पार्क के अंदर आना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब करनी चाहिए। अच्छा, योग दिवस भी आ रहा है, इसके क्या इस बार तैयारी है, किस तरह की फिटनेस एक जरूरी होती है? जैसा कि अभी योग दिवस है 21 को, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सभी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी योगा अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी, हम जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं तो हम लोग भी पोस्ट करेंगे योगा के लिए, ताकि बाकी जो ऑडियंस है वो योगा के ऊपर हमसे मोटिवेट हो पाए और करें। आप मॉडलिंग कैरियर से आते हैं, एक कितना जरूरी होता है एक मॉडल के लिए फिटनेस? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुणा बेनीवाल एंड आई एम फर्स्ट रनर अप ऑफ मिस राजस्थान 2019, एंड योगा इज़ रियली वेरी नेसेसरी फॉर आर हेल्थ, आर बॉडी, आल्सो फॉर आर मेंटल हेल्थ। एज योगा से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जो कि इस टाइम कोरोना में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना। तो डेली योगा करने से हम हमारी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं और हम इस फेज से कोप अप करके निकल पाएंगे। कोरोना का काल है तो इसमें योगा की अहमियत और बढ़ गई है, तो आप लोग वैसे भी इस मॉडलिंग से जुड़े तो फिटनेस आपके लिए वैसे भी जरूरी है, तो अब चूंकि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक अच्छा साधन है, इसके बारे में देखिए अभी हम मिस इंडिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिम एंड ऑल अभी खुले नहीं है, तो वी आर कमिंग टू पार्क्स फॉर आर एक्सरसाइज, एंड इन दिस योगा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, और हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब भी खाने चाहिए ताकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, और इस समय में इस चीज़ से निकलने के लिए हमको खुद को ही
देखभाल करनी पड़ेगी, बिकॉज गवर्नमेंट जितना अपनी तरफ से कर सकती थी उन्होंने किया, अब हमारे ऊपर है हम कैसे इससे कोप अप करते हैं। सरकार को जो करना था वो सरकार ने किया, सरकार कर भी रही है, अब अगर सहयोग की जरूरत है वो जनता की, जनता अगर सहयोग करे तो मिलकर इस कोरोना को जरूर हराया जा सकता है। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV जयपुर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।